लो साहब, खाद्य सुरक्षा वाला मारा भाई बहन पाछा दूध ने माओ वाला उन पर टूटी पड़िया। इनके कई किसान को मालच खोटो नहीं गया है, बाकी जमानो तो इनकी तरफ से बाढ़ में जाए। उठे छूटे किसान का माल पे टूटे महितपुर का माए। SDM ने खाद्य सुरक्षा वाला भाई उनने आसिम जैन मावा भंडार से 2, गजानन दूध डेयरी 3, बीकानेर स्वीट राजदीप दूध से 2-2 सैंपल उठाया। इकाड़ा और सगवाली गांव में भी मारा भाई उनने भैंस का दूध का 4 नमूना उठाया। बापड़ी भैंस भी खेती वेगा कहे मारो दूध ले जाओ। समीचार अपनी जगह, बस एक बात यूज पूछनी थी। गया 10 साल में खाद्य सुरक्षा वाला मारा भाई उनने मांस मटन का कितना सैंपल उठाया कोई बताई सके? वे खाद्य सुरक्षा कानून में आए कि नहीं आए? बिल्कुल, जैसे कि कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि मिल्क होकर जांच की जाए उनके किस तरह का दूध ला रहे हैं कि, और आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार जो गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त हो उसी तरह हम जांच कर रहे हैं, उनके लाइसेंस की जांच कर रहे हैं कि कितने मिल्क होकर के पास लाइसेंस है या नहीं। तो अभी तक हमने 3 गाड़ी रोकी हुई है, एक बड़ा दूध वाहन बोलेरो वाहन रोका हुआ है जो संजय आंजना का, जो ग्राम बालोद से लेके आते हैं, उसके पास तो लाइसेंस मिला, लेकिन जो गांव से जिन लोगों का कलेक्शन करके ला रहे हैं उन लोगों के लाइसेंस वो नहीं दिखा पाए। इसके बाद ये मोटरसाइकिल से जो दूध आने वाले हैं इनको भी हमने रोका है, तो ये जीवन पोर वाले हैं, ये लाइसेंस अपनी डेयरी पे होना बता रहे हैं, ये भी इधर से आते हैं। ये दूसरे वाहन चालक हैं जिनकी गाड़ी दिख रही है आपको, MP 3 EM 27, ये महेश योगी, ये दूध लेके आए तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इनको हमने निर्देशित कर दिया है, इनकी सैंपलिंग तो कर ही रहे हैं और निर्देशित कर दिया है कि अगर आज लाइसेंस नहीं बनवाते हैं ये तो ये दूध नहीं बांट पाएंगे। नवा SP साहब प्रदीप शर्मा जी उज्जैन आया, मांकल रजक दर्शन पायन जैसाथ कुर्सी संभाली, एक उतापा पर इनका आता से चैलेंज दे गयो। हुए यूं के माधव नगर वाला क्षेत्र में एक बाई का साथे एक जनों ठगी करी के विन के बाता में उलझा के कान का टाफ निकल वही गयो। CCTV वीडियो में यह घटना दिखी भी रही है। अकेला फिरीगंज का फिरीगंज में जैसी कोई दर्जन भर वारदात हुई है, एक साथे नहीं अलग अलग टेम पे हुई, पर हुई तो रही है ना, आरोपी पकड़ा ही नहीं रहा है, एक नहीं पुलिस के लिए चुनौती। ये तभी मेरे को ये बोला, मम्मी बोला मैं जा रही थी आगे, मेरे पीछे आ रहा था वो, बोला माँ बोला रुक जाओ तो मैं क्यों, बोला मेरे पास पैसे नहीं है फलाना, मेरे को 1500 रुपये दे दो मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरा सेठ ने मार के फेंका फलाना करा, फिर ये ना ये गड्डी दे दी उसने, बोला माँ बोला ये गड्डी पकड़ो, और बोला ना मैं बिहार है ना तुमको, बोला ना ये गड्डी पकड़ लो, इसमें सील बनती या पैक बनती, बिल्कुल मेरा फाड़ी है तो लगे हाथ आपके अपना उज्जैन को टेम बदलवा वाली एक घड़ी दिखाई दूं। हाल यह घड़ी तैयार नहीं हुई, बनी रही है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष रुचि के बाद जंतर मंतर कने वैदिक घड़ी बनी रही है। IIT बच्चा उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनायो आणि घटना में अंग्रेजी टेम का साथ साथ वैदिक टेम टेबल भी दिखेगा, मैंने तिथि ने पर्व उनकी जानकारी भी आनी घड़ी पर दिखेगा। ये लगभग 1.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये अगले 7 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा, फिनिशिंग चल रही है अंतिम दौर में, ऊपर कंप्लीट हो चुका है पूरा, खाली ये बाहर नीचे इसके आसपास का डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जो का निर्माण है, ये वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य है, यहाँ वैदिक घड़ी लगेगी जो विश्व में अपने आप में एक पहली घड़ी होगी जिसमें इंग्लिश समय के अलावा आपके जो भारतीय पंचांग के अनुसार है तिथि वगैरह वो सब भी इसमें प्रदर्शित होंगी समय समय पर। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो IIT वालों ने डेवलप करा है और 10 फीट बाय 10 फीट की एक LED स्क्रीन लगेगी ऊपर, उस पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले हुआ करेंगी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एक धार्मिक समाचार भी, कोयल गांव गणे का महामाया पंपापुर धाम पे अंबे माता मंदिर गणे भागवत जी को आयोजन चली रहो आणि कथम कोयल का साथे साथे पेटलावाद बामन खेड़ा दूजा भी अरे मेरे गांव उनका भगत जगत धुन जुटी रहा है। यहाँ 21 कुंडी महायज्ञ भी हो, समापन पे जोरदार भंडारों चलियो, हजारों लोगों प्रसादी पाई। इन आयोजन का वीडियो अपने भाई सरवन सिंह जी राजपूत के जरिए मिली पाया है। बता दो नहीं याद नाम ये सुदामा।